बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम सुबह सुबह कहीं पहुँचे हैं, आपको दिखाना चाहते थे कि ये जगह कैसी है, यहाँ पर क्या क्या मशहूर है, तो ये हम दिखाना चाहते थे आपको। आपकी आंटी भी साथ है और मुझे तो डर लग रहा है, डर भी रही है। काफ़ी ज़्यादा पुराना घर है ये, देखो पता नहीं कई सदियां पुराना घर। ये लोग कहते हैं कि तकरीबन 100 साल पहले यहाँ पर कुछ लोग रहते थे, तो अब तो बाहर आबादी हो गई है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, वीडियो के शुरू में मैं आप सब के लिए दुआ भी करता हूँ कि आप जहाँ रहें, अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, दोस्त अहबाब रिश्तेदार हक हमसाए सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। जो लोग दुख तकलीफ़ में परेशान हैं, अल्लाह ताला उनके दुखों को और परेशानियों को दूर करे, और जिन मेरे बच्चों की औलाद नहीं, अल्लाह ताला उन्हें नेक और सेहतमंद औलाद अता फरमाए। तो आपकी आंटी भी कुछ कहना चाहती हैं आपसे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। तो आज पहुँचे हैं यहाँ, तो आज आपको यहाँ की सैर भी कराते हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्या है। तो डर भी लग रहा है थोड़ा सा, तो दिखाना चाहते थे आपको कि ये कितना पुराना है। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या है अंदर। आपकी आंटी नहीं जा रही, मैं जा रहा हूँ। ये कह रही है कि यहाँ पर जा रही, मुझे वैसे डर लगता है। वैसे लोग कहते हैं कि यहाँ पर भूतों का यानी डेरा है, जिसे डेरा कहते हैं। रात को यहाँ पर आवाज़ें आती हैं और रात को यहाँ पर लोग नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पर पहले लोग रहते थे, वो यहाँ से नकल मकानी कर गए, इसी वजह से कि उनके कुछ जानवर और कुछ जो उनको नुकसान पहुँचाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो हो सकता है ऐसा हो, कुछ लोग इस पर यकीन नहीं करते। तो मैं आपको दिखाना चाहता था कि आप हमें बताएं कि क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर रहते हों। कुछ लोग तो कहते हैं कि होता है और कुछ कहते हैं नहीं होता। तो आपकी सैर भी कराते हैं। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने लकड़ियाँ रखी हुई हैं, ये दरख्त भी है, काफ़ी अच्छा है। और ये जाल का जो पौधा है, ये भी काफ़ी पुराना है। ये मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर तक, अंदर जाकर देख लेते हैं, सैर कर लेते हैं, अंदर जाकर देखते हैं कि क्या है। तो मेरे दोस्तों, ये देखो, ये जाल का दरख्त है, जिसको जाल का दरख्त कहते हैं। इस पर पीलू गर्मियों में यानी जून के महीने में पीलू लगती हैं, जो मुख्तलिफ कलर की होती हैं, वो बहुत यानी मज़े की होती हैं। आपकी आंटी ने भी खाई हुई है, इनसे पूछे। मैंने नहीं खाई। अच्छा, मैं तो अभी मेरे दादा जान और दादी जान कहती थी कि ये अच्छा, उस जमाने की थी। मैं 4-5 साल का था जब अलहदा हुए थे। हाँ, बिल्कुल, जब उस वक्त की बात है। मैं 5 साल का था जब मैंने बताया था, वीडियो भी बनाई थी कि मैं जखीरे में गया, वहाँ मैंने सांप देखा और वहाँ पर पीलू वगैरह थी। ये काफी ज्यादा पुरानी बात है ना। हाँ, तकरीबन ये बात है, ये देख लेंगे, तकरीबन मैंने 80 की बात कही थी, यानी 80 की बात है। आपने कहा था कि मैं 5 साल का था। हाँ, तकरीबन 4-5 साल का था। तो ये देखे, ये पीलू का दरख्त है। अभी सर्दी है ना, इसलिए इसको नहीं लगे। ये तो सर्दियों में नहीं लगते, गर्मियों में इसका जो होते हैं सब। ये कहते हैं कि इसमें जो है ना पीलू में, ये अगर इसका मिसवाक इस्तेमाल करें तो ये दांत को बहुत मजबूत करता है, यानी जो इसमें कैल्शियम होगी, ये क्या होगा जो दांतों को मजबूत करता है, तो इसमें कैल्शियम वगैरह होगी, तो इसलिए दांत को मजबूत करता है। तो आपको मकान के अंदर चलकर दिखाते हैं कि मकान में पहले लोग कैसे कैसे रहते थे, वो यहाँ से बेचारे चले गए। तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, ये देखें, इसकी छतें काफ़ी घिर चुकी हैं। ये कच्ची ईंटों से बनाया गया था मेरे ख्याल में, तो यहाँ पर लोग रहते थे काफ़ी पहले। अब तो इसमें कुछ भी नहीं है, और वहाँ पर उनका जो वो था यानी आग जलाने वाला निज़ाम, वो भी है। तो ये तकरीबन 100 साल के करीब इसकी उम्र हो चुकी है। इंडिया और पाकिस्तान जब अलहदा हुए थे उस वक्त बात तो नहीं आ, तकरीबन तकरीबन उसके करीब करीब की बात है। हाँ, करीब करीब की तो बात ये है। खंडर यानी इसमें जो ये देखिए, ये जो ऊपर गोल दायरा बना हुआ, यहाँ पर शतीर उन्होंने लगाया था और वहाँ भी। और ये शतीर होते हैं जो खज्जी का पौधा होता है, खज्जी का, खजूर का, तो उसका जो तना होता है उसका ये मकान बनाया गया होगा, क्योंकि गोल गोल है ये देखें, तो उसका ये मकान बनाया गया है। रोशनदान भी लगे हुए हैं। तो ये काफ़ी पुराना है, खंडर है ये जिसे कहते हैं।
तो आपकी आंटी तो नहीं आ रही थी, मैं इसे लेकर आया हूं। मैंने एक दफा पहले देखा था, दो दफा यहाँ पर। तो जब हम नए नए यहाँ पर हमें आए थे ना इस इलाके में, तो उस वक्त भी ये खंडर हमें ऐसे यानी नजरे ऐसे हमें दिखाई दिए कि ये खंडर है। तो जो घास का है यानी निज़ाम, वो भी अब उन्होंने किया हुआ है, काफ़ी अच्छा है घास, क्योंकि अब बाहर आबादी शुरू हो गई है। तो ऐसा ऐसा जो यहाँ पर रहते होंगे, जो हमें नज़र नहीं आते, वो यहाँ पर चले गए होंगे, यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि जब इंसानों की आबादी होती है तो फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। तो हो सकता है इनके पीछे भी हों आए खड़े हों तो साया तो होता ही है। आपके अंकल को देख, मुझे डरा रहे हैं ये तो, इसके तो देखो। फिर आगे देखते हैं, घास में घास भी देखते हैं आगे, और थोड़ी सी आबादी भी आपको दिखा। तो ये देखें, ये बेगम साहब, ये क्या है, क्या उन्होंने बनाया होगा ये पर्दा? तो लगता है कोई कुछ चीज उन्होंने बनाई है, जैसे कि अच्छा, आग जलाने वाली कोई चीज। अच्छा, वैसे सांप के यहाँ पर सांप की बिल्ले भी है, देखे बिल, यहाँ सांप की जो निशान है वो भी नजर आ रहे हैं, सांप भी यहाँ पर रहते हैं। तो ये सीढ़ी है, सीढ़ी के आप ऊपर चढ़ी हुई हैं। 100 साल की जो ये एक क्या कहते हैं उसको, इमारत है। हाँ, 100 साल की इमारत है, इसमें तो होगी सब कुछ होगा। हाँ, ये जानवरों के भी। अच्छा, वैसे उन्होंने जो अब का निजाम है उस हिसाब से उन्होंने बनाया है, यानी उस उन्होंने अपनी कारीगरी पूरी दिखाई है कि यहाँ पर कैसे कैसे पहले जो थे, यानी कोई अच्छा बंदा होगा जो यहाँ पर उन्होंने ये सब कुछ बनाया है। नीचे उतरो, काफी अच्छा मकान है। तो मैंने तो आपकी आंटी को कहा है कि ये जो घास है इस पर हम जो गंदला का साग होता है वो बना लें, चलो घर जाकर पकाएंगे। काफी ज्यादा दूर आए हुए हैं, हमें गंदलों की पड़ी तो इन्होंने कहा नहीं, हमारी अपनी हो जाएंगी, तो फिर हम साग बनाएंगे गंदलों का। तो ये काफी अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, इसके खंडर के साथ अच्छा साथ फिर यहाँ पर उन्होंने ये कोई मकान नहीं बनाया, वो देखे थोड़ा सा दूर उन्होंने जाकर फिर पूरी बस्ती बनी हुई है। तो यहाँ पर जो है ना उन्होंने कुछ नहीं बनाया, रास्ता भी नहीं है यहाँ पर, उन्होंने सड़क भी नहीं रखी, यहाँ तक रास्ता आता है और बस फिर ख़त्म हो जाता है। तो दरख्त तो लगे हुए हैं, मक्की भी है, बीज है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा जो ये विज़िट है, हमारा जो ये हमने आपको दिखाया, आपको पसंद आएगा। क्यों बेगम साहब, आप कहेंगे? हाँ, कुछ हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। रात को ये डरेगी जरूर। नहीं डरूंगी। जिन इनके पास आएंगे है ना, आप जो है मेरे साथ, जिन इनके साथ आएंगे पास आएंगे रात को, इनको डराएंगे। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो तक दोबारा हाजिर होंगे, उस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। आखिर में हम आप साहब के लिए दुआ भी करते हैं कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आप खुश हैं तो हम खुश हैं। अपना रखिएगा ख्याल। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।